कि आपको हमारा थंबनेल देख करके समझ में आ गया होगा कि हमारा वीडियो किस चीज़ पे बनने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्लीट आर्ट सॉल्यूशंस पे। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट बनता कैसे है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो वीडियो को देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा एक्रेलिक शीट कटिंग हो रहा है। इस एक्रेलिक शीट का डिज़ाइन में हमने एक नाम को भी ऐड किया है। आप चाहते हैं इसमें आपका नाम ऐड हो तो वो भी हो सकता है या फिर आपके दोस्तों का। इस तरह से कई डिज़ाइन और भी कटिंग होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यकीन मानिए वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। इस नाइट लैम्प को बनाने में हमने 3mm का शीट यूज़ किया है। आप चाहते हैं तो इससे मोटा भी यूज कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से 3mm बेस्ट होगा। तो बारी बारी करके हमारा तीनों डिज़ाइन कटिंग हो चुका है। अब बारी आता है इसको पेस्टिंग करने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसका पेपर को रिमूव कर लेते हैं और मैंने ब्लैक कलर का शीट यूज़ किया है और इस तरह का प्रोडक्ट बनाने में ब्लैक कलर का शीट ही बेस्ट होगा। दोस्तों हमारा पेपर भी रिमूव हो गया। अब बारी आता है इसके ऊपर फ्रोस्टेड एक्रेलिक लगाने का। तो इसके बैक साइड में हम फ्रोस्टेड एक्रेलिक को पेस्ट करेंगे। तो पेस्टिंग का भी वीडियो आप देख लीजिए। इस तरह से इसको पेस्टिंग कर लेंगे। बॉन्ड को बहुत ही हिसाब से डालना पड़ता है। अगर बॉन्ड ज़्यादा गिर गया तो फिर पूरा का पूरा मटेरियल बर्बाद है, इसलिए बॉन्ड को बड़ा ही हिसाब से डाल। देखिए पेस्टिंग होने के बाद में कुछ इस तरह से ये नज़र आने वाला है। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारी डिज़ाइन के पीछे में फ्रोस्टेड एक्रेलिक को पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह का प्रोडक्ट रेडीमेड लेना तो हमारे इस वाले वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में हम अपना नंबर देंगे, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटिव और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के ऊपर जा करके क्लिक करें और वहां से और भी वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। अब कुछ इस तरह से सारी एक्रेलिक शीट्स को आपस में पेस्ट कर देंगे और बॉन्ड को बड़ा ही हिसाब से डालेंगे क्योंकि ज़रा सा भी बॉन्ड अगर एक्स्ट्रा गिरा तो ये पूरा का पूरा मटेरियल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड को बड़ा ही हिसाब से यूज़ करें। जिस तरह से हम हल्का बॉन्ड डालेंगे, हमारा एक्रेलिक शीट तीनों साइड से पैक हो चुका है। अब एक साइड से सिर्फ पैक करना बाकी है तो इसे भी आप देख लीजिए कैसे पेस्ट करेंगे। कुछ इस तरह से इसे पेस्ट करना है और बॉन्ड को तो पहले ही बताया है, बहुत ही हिसाब से बॉन्ड इसमें यूज़ करना है। अब इसके बाद में बारी आता है एलईडी फिटिंग और वायरिंग का। तो हमारा एलईडी फिटिंग और वायरिंग रेडी है। अब इसको इस तरह से पैक कर देंगे और पैक करने के बाद में आपके सामने जो चीज़ है वो आपके सामने है। यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आप इसे नाइट में नाइट बल्ब की जगह पे यूज कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। आप इसे जैसे यूज देख पा रहे हैं लेकिन ये ऊपर में भी फिलहाल का डिजाइन बना हुआ है, लग रहा है साइड में भी डिजाइन है, फ्रंट में भी डिजाइन है, हर एक तरफ से इसमें डिजाइन बना हुआ है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरह का प्रोडक्ट रेडीमेड लेना तो हमारे इस वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ में।